हाँ तो प्रिय सज्जनों, एक समय की बात है, माता पार्वती के मन में माँ नर्मदा जी के स्नान करने की इच्छा होती है। उस समय माता पार्वती जी अपने स्वामी भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे भूत भावन भोलेनाथ, आप मेरे साथ नर्मदा स्नान को चलिए। तब भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं, हे प्रिया, आप कहती हो तो चलते हैं, पर सभी लोग नर्मदा नहीं नहाते। ये तो बिरला भक्त होगा जो माँ रेवा के पवित्र मन से, माँ नर्मदा के पवित्र जल से स्नान करता है। इतना कह के भगवान भोलेनाथ और पार्वती जी रेवा स्नान को चल देते हैं। बम बम भोले शिव कैलासी, लीला का रच डारी रे, बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। बम बम भोला, बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। बम बम भोला, बैठे हैं नर्मदा जी के तीर। लगे घिनौनी काया। बेचना डुलावे प्यारी,
बिजना डुलावे बैठी ओ हो बिजना डुलावे बैठी बाबा जी की नारी रे बैठे हैं नर्मदा जी के तीर बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी के तीर बम बम भोला बैठे हैं नर्मदा जी के तीर
जल छिड़का जैसे शिव शंकर प्रगटाए। बूढ़े साधु को शिव शंकर अपना रूप दिखाए। बिंदु देखो कलयुग की है, बिंदु देखो कलयुग की है, कैसी बलहारी रे, बैठे हैं नरपिता जी के तीर। बोले बम बम भोला, बैठे हैं नरपिता जी के तीर। बोले बम बम भोला, बैठे हैं नरपिता जी के तीर। बम बम भोले शिव कैलासी, लीला क्या रच डारी रे, बैठे हैं नरपिता जी के तीर।